Hello students, myself Upasana Pandit. This video is for class 3rd. In this video, I will tell you about some primary and some secondary colors. So, some primary colors are red, lal, yellow, peela, blue, neela. Our primary colors, lal, peela or neela, ye tino hamare primary colors hain. And orange, narangi, green, hara and purple, baggy. Are secondary colors. Narangi, hara or bangni are secondary colors. And there are two natural colors, black and white. Two natural colors hote hain aur wo hote hain black and white. Okay, so class, this is your lesson number 1, India at a glance. Ye aapka lesson number 1 hai. In this picture, ye keh rahe hain observe the picture carefully. आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है. ड्रॉ एंड फिल इट विद द फेल्ट पेन्स डिफरेंट कलर्स. आपको इसमें फेल्ट पेन्स स्केच पेन्स का यूज करना है. इफ यू डोंट हैव फेल्ट और स्केच पेन्स, यू कैन यूज अगेन दिस फेवर कैसल 12 कलर पेंसिल बॉक्स. आप यहाँ पे पेंसिल कलर्स का भी यूज कर सकते हैं. ओके, जैसा भी आपको ये स्क्वायर पैटर्न में डिजाइन यहाँ पर दिखाया गया है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है. उसके लिए हमारे पास रूलर, स्केल, कंपास, ये होना और पेंसिल एंड इरेजर, ये सारी चीजें विद कलर्स होना नेसेसरी है. इन सब इस पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए. ओके, स्टार्ट क्लास. तो स्टार्ट आवर वीडियो. पहले हम एक स्क्वायर यहाँ पर हम देख सकते हैं. वी हैव अ स्क्वायर ऑन दिस पेपर. तो उसमें हम पहले इस पिक्चर को देखेंगे. इसका मतलब है इंडिया एट अ ग्लैंस. ग्लैंस का मतलब होता है झांकी या फिर कोई भी ऐसी चीज जो फर्स्ट टाइम देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है और बहुत ही ज्यादा एक डेकोरेटिव पीस में आती है. ठीक है, तो जो एक पेंटिंग होती है, जो हमारे पेंटिंग्स की जाती हैं, वो भी वॉल पेंटिंग्स जो होती हैं या इस टाइप की जो पेंटिंग्स होती हैं, उन्हें हम वॉल डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसका वही मीनिंग है. एंड लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं. तो पहले आप पेंसिल लेंगे और यहाँ पर स्केल की हेल्प से एक एक इंच छोड़कर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर हमने एक स्क्वायर जो है उसके अंदर एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है जो उससे थोड़ा सा छोटा है. अगेन हमें इसमें एक कंपास की हेल्प से हम इसको इस पेंसिल को इसमें ऐड करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पेपर यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. Now we have a circle. और हम यहाँ पर इसकी आईज ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल से इसकी नोज ड्रॉ करेंगे. अगेन हम लोग इसकी नोज बनाएंगे ट्राइंगल से. एंड देन इसके बाद ये इसका फेस कंप्लीट हो गया है. एंड देन इसके बाद हम इस पे डिजाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी ड्रॉ करनी है. और ये लीफ कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा. एंड अगेन आपको इसको डबल लाइन करनी है. और ये सर्कल्स यहाँ पर इस तरीके से हमें कंप्लीट कर देना है. ये पिक्चर आपकी जो सन टाइप की पिक्चर है सर्कल में, ये कंप्लीट हो गई. आफ्टर दैट हम इसके कॉर्नर्स पे डिजाइन करेंगे. यहां पर इस तरीके से यहां थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के
इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इनके बीच में भी हमें छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इसके चारों कॉर्नर्स पे वी विल ड्रॉ दी सर्कल्स। ओके किड्स, सो योर स्केचिंग इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट आवर कलरिंग। इन दिस पिक्चर देयर आर मेनी कलर्स, सो स्काई ब्लू, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड, pink, purple and blue. So इस circle में सन के we will do yellow color. Yellow color हम इस circle में करेंगे। अच्छे से पहले मैंने आपको बताया है इसके outer पे आपको color करना है एकदम clean तरीके से। तो yellow color complete होने के बाद ये आपको ऐसा लगेगा। एंड देन हम अदर कलर करेंगे रेड कलर। ऊपर वाले सर्कल में आपको इसके रेड कलर का यूज करना है। फिर से इसके आउटर से कलर करना स्टार्ट करेंगे हम। तो रेड कलर भी कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा लगेगा। आफ्टर दैट हमें इसमें करना है ब्लू कलर। ब्लू कलर में यहाँ कॉर्नर से सर्कल्स को छोड़कर हमको ब्लू कलर कंप्लीट करना है। और ये कंप्लीट होने के बाद ऐसे कंप्लीट है। आफ्टर दैट हमें इसके अपर जो इसके कॉर्नर्स हैं इनमें कलर करना है। तो इनमें दो कलर्स का यूज किया गया है, वन साइड रेड एंड अदर वन साइड ग्रीन, दोनों का यूज किया गया है। तो हम दोनों कलर ले लेते हैं, इसमें लाइट ग्रीन का और रेड का यूज। इधर हमारे सारे कॉर्नर्स में हमने इसकी एक साइड में पूरा कलर कर दिया और नेक्स्ट दूसरी साइड जो है उसमें लाइट ग्रीन का यूज किया जाएगा। और ये हमारा ग्रीन कलर भी कंप्लीट हो। उसके बाद जो यहाँ पर सर्कल्स दे रखे हैं छोटे छोटे, उसमें दो कलर्स का यूज हुआ है, व्हाइट और पिंक। व्हाइट कलर आपके पेंसिल कलर्स में आता नहीं है, इसलिए आप एक को ब्लैंक छोड़ देंगे और दूसरे को आपको पिंक कलर से करना है। एक हमने सर्कल पिंक किया, एक हमने ब्लैंक छोड़ दिया, एक पिंक किया, एक ब्लैंक छोड़ दिया, पिंक किया और ये कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हमें इसका जो बेस है उसे कलर करना है। बेस आपका पर्पल कलर से आपको करना है। उसके लिए आपको कॉर्नर से स्टार्ट करना है कलर। इसको एक अच्छी सी आउटलाइन पहले आपको क्रिएट करनी है ताकि आपके कलर्स दूसरे साइड में ना फैले। और पर्पल कलर कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद हम डार्क ग्रीन कलर का यूज करेंगे इसके कॉर्नर्स पे जो हमने डिजाइन ड्रॉ की है वहां पर करने के लिए। उसके लिए भी पहले हम उसकी एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसमें कलरिंग स्टार्ट। ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर कंप्लीट होने के बाद इसके चारों कॉर्नर्स में हमने अच्छे से कलर कर दिया। अब हम लाइट ग्रीन कलर का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर को इस टाइप से चारों तरफ के मैं पोर्शन में आपको ये ग्रीन कलर करना है।
प्रोसेस वही रहेगा, पहले आउटलाइन करके देन मिड में आपको कलर भी करना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ग्रीन कलर। अब हम रेड कलर का यूज करेंगे इसके चारों तरफ कॉर्नर में करने के लिए और ये वाले कॉर्नर। रेड कलर कंप्लीट होने के बाद ये आपको ऐसे लगेगा। लास्ट में हमें इसके कॉर्नर्स में करना है ब्लू कलर। और साथ में फिर हम इसके बाद इसके सर्कल्स में दो कलर्स का यूज किया गया है, स्काई ब्लू एंड येलो। तो सर्कल्स हम ये कंप्लीट कर लेंगे। और ये सर्कल्स का येलो कलर कंप्लीट, उसको ड्रॉ करेंगे ब्लैक पेन की हेल्प से। कलर और इसकी नोज में हम ट्राइंगल में ऑरेंज कलर करेंगे, इसके लिप्स में। कंप्लीट होने के बाद आपको ये पिक्चर आपका ऐसा दिखेगा। आपको बहुत सुंदर सुंदर इसमें कलर करना है। आप लोग को इसको अच्छे से कलर करना है। घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।